बिलिफ्स इन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन विश्व पक्षरु महिला माने किपरि स्वावलंबी हेबे सेथिपई सेमानंकु प्रशिक्षण दिया जाय थाए जेमिति कि सिलाई पार्लर ट्रेनिंग ओ कुकिंग क्लास मध्य करा जाय थाए। विश्व पक्षरु प्रत्येक वर्ष मिस मिस्टर एवं मिसेस ओडिसा भली प्रतियोगिता करा जाय थाए। प्रत्येक वर्ष ओडिसा ब्यूटी एक्सपो करा जाय जेउथिरे कि भारतर अनेक कलाकार माने जोगदी ब्यूटीशियन मानंकु स्किन केयर मेकअप प्रशिक्षण देथांती। एथिसह महिला मानंकु आत्मनिर्भरशील हेबापई तांकु प्रोत्साहित बॉलीवुड स्टार आसंती ओ समस्त महिला मानंकु तांको माध्यमरे सम्मानित करा जाय थाए। एहा द्वारा महिला माने अधिकरु अधिक रोजगार क्षम होई समाजरे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करी आसुचंती। बिलीव इन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन पक्षरु आज आमर एटी कार्यक्रम रखा जायछि जो महिला माने किपरि स्वावलंबी हेबे सेमाने केमिति प्रशिक्षण पाइबे सेमाने सिलाई ट्रेनिंग पार्लर ट्रेनिंग कुकिंग क्लास मध्य से माने करी परिबे। विश्व 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 पक्षरु प्रत्येक वर्ष आमर मिस ओडिसा कार्यक्रम हुए ता सांग को ओडिसा ब्यूटी एक्सपो हुए जो थिरे कि महिला माने रोजगार करिबा सांगरे से माने निजे समाज रे गोटे भल ना करिकि पैसा इनकम करुछंती तार गोटे मेन माध्यम हैला। तापर प्रत्येक वर्ष आम ओडिसा ब्यूटी एक्सपो एमिति मिसेस ओडिसा मिस ओडिसा कंपटीशन करौछि जोटा कि इंडिया लेवल की भी से माने जाउछंती। ता सांग को आमर मेन सोशल काम हैला महिला माने तांको माध्यम रे जेते बेले आमर ओडिसा ब्यूटी एक्सपो हुए सेते बेले बाहर सेलिब्रिटी आसंती जो सेलिब्रिटी माने आम मानको फेलिसिएशन करती जो थी कि आम अधिक रु अधिक आहरी रोजगार करूँ। महिला माने जमी सशक्तिकरण हेबे से प्रति आम विश्व अनुष्ठान कार्य करे। आमर विश्व अनुष्ठान 2019 मसीहा अक्टोबर 3 तारीख रे जन्म नहीं अनुष्ठान 17 जन कोर मेम्बर अच्छा सबु जिले में गोटे गोटे कोर मेम्बर अच्छा जोटिकी आमर आज्ञा आ जोटिकी आमर सोशल वर्कर माने आमे काम करुछु जेमती कि खाद्य वस्त्र दान करिवा सांगरे हॉस्पिटल केस रे आमे हेल्प करुछु। आग को आमर सर आर मासरु आमे प्रत्येक रेलवे स्टेशन रे आउ एससीबी मेडिकल रे खाद्य बांटिबु बोलिकरी आमर टीम डिसाइड करिसंती। आज जो प्रेस मीट रो एटा आमर जो होउची सेटा आमर ओडिसा ब्यूटी एक्सपो रे जेति कि 30 पार्टिसिपेट विनर करिसंती से माने इंडिया लेवल रिप्रेजेंट करिवे तो आज से मानको सम्मानित करबा पई एटा हब गोवा रे हब सर जून 24 रो स्टार्ट हब 28 जाय आउ एज ग्रुप सर एज ग्रुप नाई ए माने सिलेक्टेड अछंती आमर प्रत्येक महिला मानको पई अछि एटा मिस मिसेस मिस्टर माने आमर ए आमर ओडिसा रु 30 कंटेस्टेंट विनर हेइ छंती जो माने कि एबे गोवा शो रे तांको ओडिसा को रिप्रेजेंट करिवे। आज कार्यक्रम बहुत भल अछि आउ समस्ते जे आमे एठी एकठी हेछु आउ ए विश्व गोटे भल प्लाटफर्म करथिला आउ आमे समस्त गोटे गोटे सुजोग देछि आगो को बढ़िया तो आज बहुत खुश लागुछि आज गोटे भल प्लेसमेंट रखा हेछि आग को तो मोर बहुत प्लानिंग अछि फ्यूचर प्लानिंग मु खाली ओडिसा लेवल रे करनि मु इंडिया लेवल रे भी काम करके आसी मु बहुत इंडिया विनर भी हेके आसी आमर मिस इंडिया कॉस्मोनेशन रे तो एटा मोर फर्स्ट टाइम नुहे तो आगे मुझे इंडिया लेवल रे आहरी पार्टिसिपेट करी बोली आशा अच्छे। गोवा पई तो प्रिपेरेसन रही सेमती तो कहीहबनि बहुत टॉप रहिबो जेहेतु तो आम मैंने ट्राए करमर बेस्ट दवापाई ता भितर जहाँ भी हम से जज मानते डिपेंड कर। सो आई एम रियली रियली सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर गोवा सो और थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म ममता मैम स्पेशली और ए वाला 8 नंबर सीजन है सो हम लोग इक्वली हार्डवर्क करके इधर पहुँचे हैं। वी आर रियली रियली फॉर्चुनेट कि हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहा है विश्व फाउंडेशन थ्रू से सो हम लोगों का अपना इनर कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग अपना टैलेंट को शोकेश कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ऑल द यूनिवर्स प्रेजेंट ऑफ योर सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड
आई एम वेरी फील ब्लेस्ड आउ द कंपटीशन ब्यूटी एक्सपो मुझार मिस कैटेगरी विनर रही बहुत भल लगुच आम झील मान को भी एत भल प्लाटफर्म मिली आम टैलेंट को आम ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनल शोकेस करने आमर स्टेज मिली आहे कि ओडिशा रे आमे जमती कि सबू भल भल जे टैलेंट निजक शोकेस करें से आग को इंडिया रे आउ इंटरनेशनल रे भी आम ओडिशा रो ना जाऊ गोवाई मिस इंडिया रो आमे प्लान करापी आम प्रिपरेशन स्टार्ट सेटारे इंट्रोडक्शन राउंड रैंप वॉक राउंड तापर टैलेंट राउंड डिजाइनर राउंड सबू हम तापाई भी आमर ड्रेसेस तापर इंट्रोडक्शन टैलेंट शोकेस तापाई डांस प्रैक्टिस सबू करने को पड़ुछी।